हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीयू चैंप लाइव क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टाइम एंड वर्क, जो समय और कार्य और समय, जिसमें मतलब किस काम को करने में कितना टाइम लेता है एक व्यक्ति दूसरे के, उसके कंपैरिजन में हम निकालते हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के। तो उसमें हम भी स्पेसिफिकली करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट इन एसएससी एग्जाम्स। एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स है, जैसे एसएससी सीजी CPO, SSC, CGL, CHSL और MTS एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम पार्ट वन करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे और उसका पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। तो अगर आपको जो चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपके लिए हम ऐसी वीडियो लेके आए तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो देखते हैं पहले की टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए, मैं सीधा एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ी नहीं है करानी है। एक आदमी है, वो किसी काम को करता है कितने टाइम में, मान लीजिए एक्स टाइम में करता है, एक्स डेज में करता है, एक्स टाइम कुछ भी है, ये हाउस में मान लीजिए, चाहे डेज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, ये मान लीजिए एक्स डेज में काम करता है पूरा टोटल टी टाइम में, टी काम करता है, टी वर्क, टोटल वर्क है, टोटल वर्क मतलब टी, या फिर डब्ल्यू लिख देता हूं, वर्क डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जो वर्क होगा वो कैसे होगा, एक्स डेज में किया हुआ काम है, तो एक्स डेज में किया है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा वो करेगा डब्ल्यू अपॉन एक्स। सीधी बात है कि एक्स दिन में सारा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, इतना वन बाई एक्स करेगा उसका, डब्ल्यू अपॉन एक्स करेगा, ठीक है। इसकी इस तरीके से आप क्या समझोगे कि टाइम जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एफिशिएंसी। ये वाली बात मैं अभी पहले आपको बता रहा हूं, फिर इसको हम देखते हैं कि कैसे ये आती कैसे। मान लीजिए कोई आदमी है, एक वही है, इसको मैं नंबर में लिख देता हूं, पांच दिन में काम करता है पूरा, पांच दिन में, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इसकी एफिशिएंसी निकलेगी जितना काम होगा डब्ल्यू और अपॉन फाइव। तो ये जो नीचे आएगी ये आएगी एफिशिएंसी, मतलब वन अपॉन टी चला गया ना, यहां भी क्या था, वन अपॉन टी था, मतलब कि जितना काम पर डे करता है वही होती है एफिशिएंसी, मतलब हर दिन किया हुआ काम वही होती है कार्य क्षमता हिंदी में बोले तो। तो एफिशिएंसी या पावर जो एफिशिएंसी है या फिर कार्य क्षमता, वो कैसे निकाली जाएगी, प्रत्येक दिन या प्रत्येक घंटे या फिर प्रत्येक साल जो भी पूछा हो, जिस रेस्पेक्ट में भी दे रखा हो टाइम की यूनिट, उसी रेस्पेक्ट में उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करके बताता हूं आपको सिंपल सा कि इनको सोल्व कैसे करेंगे। एलसीएम एचसीएल मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और वो पांच दिन में काम करता है, और दूसरा है बी, ये करता है छह दिन में। ये बात आ गई, ये आया है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम, यहां पर मैं लिखूंगा वर्क जो टोटल वर्क होगा, और यहां पर लिखूंगा एफिशियंसी, ठीक है। निकालते कैसे, तीनों चीजें देखो, टाइम आ गया पांच दिन, छह दिन। एक बात देखो कि मैं कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी पांच दिन में काम करता है, उसी काम को दूसरा छह दिन में करता है, इसका मतलब काम तो सेम ही है ना। काम अगर सेम ही है, काम में कुछ परिवर्तन ही है, मतलब टोटल वर्क हमेशा सेम रहेगा, और टोटल वर्क सेम रहेगा वो टोटल वर्क हमें दे ही रखा है। हमें पूछा है, मान लीजिए कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे, डेज पूछे हैं, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये है। तो हमारे पास अगर टोटल डेज वो नहीं है, टोटल वर्क, तो उसको कैसे निकालेंगे। मैंने आपको एलसीएम में बताया था, एलसीएम एचसीएफ में, कि जो एलसीएम होता है वो इनका क्या होता है, मल्टीपल होता है, मतलब एलसीएम एक ऐसी कॉमन मल्टीपल है जो दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब जो टोटल वर्क होगा वो यहां से निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल के, पांच और छह का जो एलसीएम होता है वो होता है 30, और ये 30 जो एलसीएम आया इसको आपको हमेशा मानना है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क आ गया हमारे पास, अब निकालेंगे एफिशिएंसी, कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन टी था तो यहां पे क्या आएगी, 30 बटे 5 मतलब 6, और यहां पे क्या आएगी, 30 बटे 6 बराबर 5। तो आपके पास एफिशिएंसी आ गई ए की 6 यूनिट और बी की 5 यूनिट। इसका मतलब है अगर टोटल वर्क 30 है, मान लीजिए मैं इसको समझाता हूं ये आया कैसे है, कि मान लीजिए टोटल वर्क है 30 यूनिट है, कुछ भी वर्क की यहां पर पावर नहीं दे रखी, आपको क्या करना है, काम हो सकता है आपको
30 10 का बनाने को मान लीजिए, हो सकता है आपको 30 और कुछ कोई काम करना हो, चेयर बनानी हो, कोई भी काम हो सकता है, तो 30 यूनिट लिखूंगा मैं इसके आगे। इसकी कोई भी यूनिट हमारे पास स्पेसिफिकली दे नहीं रखी है, दे रखी होती तो हम कर लेते कि कोई भी काम है उसको इतना करता है, ठीक है। अब देखिए कि ए और बी है अलग अलग, इनको 5 दिन लग रहे थे, 6 दिन लग रहे थे, हम ये चीज नहीं देख के उधर एफिशिएंसी निकालते हैं कि कितने दिन लगेंगे। 30 काम करने में कोई जो करता है 6 यूनिट पर डे करता है, कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेगा। तो ये चीज आपको पता चल गई कि वैसे ही कि टी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक है। यही मैं चीज से बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिंपल सी बात, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलो या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो, ठीक है। तो ये निकाला हमने एफिशिएंसी से टाइम कैसे निकालते हैं और टाइम से एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बस यही चीज आपको मेन इसमें सीखनी है टाइम एंड वर्क में, उसके बाद कोई चीज नहीं आएगी। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि टाइम से वर्क एफिशिएंसी पे कैसे गए और एफिशिएंसी से टाइम पे कैसे गए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेके चलते हैं, जो लेवल 1 के क्वेश्चन है वो कराता हूँ, जो मतलब इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के, सीजीएल और जो दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम है एसएससी के ही। देखिए, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिन में काम करते हैं, और उसी कार्य को ए और सी 90 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, क्या क्या दे रखा है। ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में, ये करते हैं यहाँ पे अगर लिखता हूं मैं डेज, यहां वर्क हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। अभी लिख रहा हूं, बाद में बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं। कितने दिन में करते हैं दोनों, 90 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 120 दिन में, नहीं हाँ 120 दिन में, और सी और ए ये करते हैं 90 दिन में। तीनों कर लिया, तीनों आ गए आपके पास, ए और बी का दे रखा है, मतलब सब दो दो का कपल मिलके काम कर रहे हैं कि ए और बी साथ में काम करेंगे तो 72 दिन लगेंगे पूरा करने में, बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो 120 दिन लगेंगे, सी और ए अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 90 दिन लगेंगे। तो पूछा क्या है कि तीनों एक साथ मिलकर कितना टाइम लगेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यहां पूछा है टाइम। आपको पता चल गया कि दो दो का दे रखा है और तीनों का साथ में पूछा है, ठीक है। चलिए पहले जो निकालना है हमें क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने बताया कि इन तीनों का एलसीएम होता है, एलसीएम आप अगर उस तरीके से निकाले फैक्टर करके तो अलग तरीके से वो आ जाएगा। मैंने आपको एक और शॉर्ट बताया था कि वो तो एलसीएम एलसीएम में ही निकालना है आपको फैक्टराइज से। इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका उतनी बार पहाड़ा बोलो कि इन दोनों का नंबर का डिवाइड चला जाए। इसमें 120 है, मैं 12 मान लीजिए तो 12 3 36 360 में इसका भी जाता है, मैं बताऊंगा कैसे। 12 3 36 360 आप अगर अपने मेथड से निकालोगे तो भी आ जाएगा, तो 76 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 9 6 36 4 बार। तो ये क्या आई हमारे पास एफिशिएंसी, लेकिन हमारे पास ए की बी की और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं आई है, हमारे पास अलग अलग एफिशिएंसी आई है। ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की कंबाइन कितनी है, और सी प्लस ए की कंबाइन कितनी है, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन तो हम निकाल सकते हैं ना, अगर मैं इन सबको एड कर दू, इन सबको एड कर दू प्लस कर दू तो क्या आएगा आपके पास, 2a। मान लीजिए यहां से भी एक दो बार ए है, दो बार बी है और दो बार सी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आया, दो बार है सब चीजें, और इधर टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ये है 5 3 8 4 12 12 है एफिशिएंसी भी आ गई आपके पास, और इनकी तीनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई 12। अब एफिशिएंसी 2 गुना की इतनी है तो 1 गुना की कितनी हो जाएगी, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड में, कितनी हो जाएगी 6। ये 6 क्या आया है, ये आया है कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर हर दिन 6 यूनिट काम करेंगे, और हमें करना कितना यूनिट काम है, 360। तो ये तो करते हैं यूनिट पर डे, और हमें करना कितना है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 360। तो कितना टाइम लगेगा देख लीजिए,
अगर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं और 360 यूनिट करने में कितना लगेगा, तो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क अपॉन ये क्या होते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अगर डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में, मतलब 360 में जब आप डिवाइड करोगे इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो कितना आएगा आपके पास 60। तो 60 दिन लगेंगे अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो। ए आपको दे रखा था ऑफिस, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी को करने में लग रहा था 72 दिन, उसी काम को बी और सी मिलके 120 दिन में कर देते हैं और उसी काम को सी और ए मिलके 90 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं, इन तीनों चीजों से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब हमने ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल ली और टोटल वर्क निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आया था 1999 में सीजीएल की जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बताइए 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए क्या है, पहले दे रखिए इसमें दे रखा है 5 पुरुष यानी कि 5 मैन कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं 6 दिन, और 10 महिलाएं कितने दिन करती हैं, 10 वुमेन कर दू वो करती है 5 दिन, ठीक है। सेम है दोनों काम की, मतलब टोटल वर्क हमेशा दोनों में सेम है, मतलब 5 आदमी अगर कोई काम करेंगे तो उसको 6 दिन में खत्म कर देंगे और उसी काम को 10 महिलाएं करेंगी तो 5 दिन में खत्म कर देंगी। पूछा किसका है, पूछा है कि 5 महिलाएं, 5 महिलाएं मतलब वुमेन्स प्लस 3 मैन, ये कितना दिन लगेंगे, इनको काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा टोटल वर्क तो कॉन्स्टेंट है ना, टोटल वर्क इज कॉन्स्टेंट, काम कभी नहीं बदलेगा, मतलब काम 5 आदमी मिलके भी इतना ही कर रहे थे, 10 औरतें भी उतना ही कर रही थी और ये भी उतना ही करेंगे, मतलब हमेशा हर कंडीशन में टोटल वर्क क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका आपको बदलना नहीं है। देखिए अब आपके पास है, मान लीजिए एक आदमी की जो वो है एफिशिएंसी वो 5 M ही है, तो 5 M मतलब हर आदमी का आएगा यहाँ पे 1 दिन का वर्क, और 6 दिन काम करेंगे तो कितना टाइम का वो आ जाएगा अपने पास, वर्क आ जाएगा टोटल वर्क बराबर 5 M × 6, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर आप टोटल वर्क कॉन्स्टेंट लिखना है तो आप एक ये भी लिख दीजिए M1 W1 अपॉन एफिशिएंसी × T × D1 बराबर क्या रहेगा दूसरा, इसको आप कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, मतलब अगर M W ये सारी की चीजें दे रखी हैं आपको तो आप इसको कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। ये क्या है, नीचे एफिशिएंसी है और सारी चीजें ऊपर है, मतलब मैन या विमेन, मैन आ गया विमेन आ गया टाइम आ गया डे आ गया हाउस आ गए और उसके अलावा जो भी चीजें बची वो यहां पे ऊपर आएंगी, सिर्फ एफिशिएंसी नीचे आएगी, ठीक है। फिर देखते हैं कि आगे क्या है, टोटल वर्क आपको दे रखा है 5 M × 6 और इसी के बराबर क्या होगा, महिलाएं भी तो उतना ही काम कर रही हैं, मतलब 10 महिलाएं 10 वुमेन 5 दिन काम करती हैं वो भी बराबर आ जाएगा। अब एक मैंने बराबर क्यों किया, इस इक्वेशन से आप एक चीज निकाल सकते हैं कि मैन एफिशिएंसी वुमेन के कंपैरिजन में, एक मैन कितना काम करता है कंपैरिजन में, तो देखिए ये काटेंगे 2 बार कट गया, ये कटेगा नहीं ये कटेगा यहां पे तो 3 बार, तो 3 M = 5 women, ठीक है। ये आपके पास आ गई बात, ठीक है। यहां से आप चाहे इसको M बराबर ये भी रख सकते हो कि 5/3 W, ठीक है। अब एक चीज के रेस्पेक्ट में दूसरा निकाल दिया तो हमें निकालना किसका है, 5 M + 3 W का। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, ये रहा या फिर ये रहा, कोई सा भी ले लो, एक लेना है आपको दोनों में से, चाहे 10 W + 5 ले लो चाहे 5 M × 6 ले लो, और उसको रखेंगे कहां पे, इसकी वैल्यू यहां पे,
यहाँ पे वैल्यू रखी, मान लीजिए 5m, w की जगह मैं रखूं 5m की वैल्यू w रख लिया, 3m की वैल्यू कितनी आएगी, m की जगह रखा 3, 5/3 w, ये आ जाएगी। अगर w के फॉर्म में है तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 w, यानी कि 10 वीमेन आ गई आपके पास, 8 5 और 3 5 वही महिलाएं और 3 पुरुष मिलके कितने के बराबर हैं, 10 महिलाओं के बराबर हैं, 10 वीमेन के बराबर हैं। तो इनको कितना टाइम लगेगा ये काम करने में, मान लीजिए 10 डे लगे कुछ दिन, और बराबर कितना है, बराबर हमारे पास टाइम काम कितना है, 10 w into 5। अब देखो इसकी वैल्यू इधर से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ डेज कितना गया, 5 डेज। 5 दिन लगेंगे किनको, 5 पुरुष और 5 महिलाओं और 3 पुरुषों को, इस तरह से लगेंगे, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, ए कर लेता है 6 दिनों में, तो आप डे यहाँ पे लिख दीजिए, डेज या फिर टाइम, 6 दिन में कर लेता है। दूसरा क्या दे रखा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। दूसरा करना है, एक आदमी जो इसका नाम ए है वो 6 दिन में करता है, बी करता है उसको 9 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे, ये सवाल आया है, सबसे बेसिक सवाल है, कितने दिन में कर लेंगे देखते हैं। फिर भी देखिए इनका जो टोटल वर्क जो आएगा, मैंने जैसे बताया था आपको, टोटल वर्क क्या होगा इनका, एलसीएम होगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18। आपको ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। और अब आता है इनका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कि टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डेज या फिर हावर्स जो लिए हैं वो, उसकी एफिशिएंसी होगी, तो 18 अपॉन 6 कितना होगा, 3, और 18 अपॉन 9 कितना होगा, 2। तो ये आगे इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखना है हमें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए देखना है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी देख लो, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, 3 और 2 5। तो 5 जब हमारे पास एफिशिएंसी है, तो आपको पता है एफिशिएंसी से नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं और डेज से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी की क्षमता या एफिशिएंसी क्या होगी, ये होगी 5। तो ए प्लस बी में टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये जो नंबर टोटल टाइम है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी किसकी, एफिशिएंसी ए प्लस बी की, तो टोटल वर्क तो है 18 अपॉन, हमारे पास टोटल ये क्या एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 18 अपॉन 5 को अगर आपको पॉइंट्स में दे रखा है तो आप पॉइंट्स में निकालिए, वरना ज्यादातर देता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, 3 15 और 3 बचे और 5, 3 से ही 3 बटे 5 इतने दिन लगेंगे ए प्लस बी जब दोनों मिलके साथ में काम करेंगे, तो इजी सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधी सी बात रखी है कि ए एक दिन कितना काम करता है, तो इसका क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कैसे, टाइम का जब टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं तो आएगी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी आ गई तो ए प्लस बी की आप एफिशिएंसी निकाल के उसके दिन भी काउंट कर सकते हैं। तो 2000 में आया हुआ सवाल है, फ्री में इजी सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, कोई अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 1 के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, पार्ट 1 में आपको इजी सवाल मिलेंगे, हम एक एक लेवल आगे चलते जाएंगे, 2, 3 और 5 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल दे रखा है, ये आया है, ये भी 2000 में ही आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में आया है, कि ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्या क्या दे रखा है, दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं किसी काम को, और उनके टाइम बताया हुआ है कि कितना टाइम लेते हैं दो दो दिन दोनों लोग मिलके। फिर पूछा है लास्ट में, पूछा क्या है कि अगर सी अकेला उसी काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा। देखो उससे पहले वालों से डिफरेंट है क्वेश्चन, कि ए प्लस बी ये करते हैं कितने दिन में, और बी प्लस सी कितने में करते हैं, और सी प्लस ए है, इनका टाइम दे रखा है, यहां दे रखा है टाइम, ठीक है।
टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ डेज हो या आवर्स हो, आप सिर्फ टाइम लिख लीजिए, यूनिट आपको वैसे भी ज्यादा इसका यूज होने वाला नहीं है। जिस यूनिट में दे रखा है उसी यूनिट में आपको पूछेगा, अगर चेंज करके पूछेगा जैसे मिनट में दे रखा है आवर्स में पूछेगा तो वो तो आप बाद में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, ए प्लस बी 10 दिन में, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। तीनों लोग, तीनों का जो ग्रुप है वो कैसे काम करता है, ए प्लस बी जब दोनों साथ में करते हैं तो उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। आपको बात समझ में आ गई कि काम तो एक ही है लेकिन अलग अलग ग्रुप जब उनकी एफिशिएंसी कम है, हो सकता है कि ए थोड़ा तेज काम करता हो, बी उसके साथ काम करता है तो थोड़ा जल्दी काम हो रहा है, बी और सी में सी बहुत ही स्लो होगा तभी जाकर बी और सी का 15 है और सी सबसे स्लो है इसलिए इन दोनों का मिलकर 20 है। तो आप इनकी एफिशिएंसी यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि बी फास्ट है थोड़ा सा सी के कंपैरिजन में और ए के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहां आप निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है, सिंपल सा है, तीनों का एलसीएम होगा वही तो इनका टोटल वर्क होगा। मतलब काम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर बनाना है, ए और बी 10 मार्कर पर डे बनाते हैं, मान लीजिए इसको, मान लीजिए 100 मार्कर बना लेते हैं 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो हम देखेंगे तो सही ना कि हर दिन वो कितना मार्कर बनाते हैं, तो वो होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालिए, निकालेंगे 15, 20 और 10 का तो आएगा आपके पास 60, क्योंकि 60 में तीनों का डिवाइड चला जाता है, आपको आसानी से पता चल गया। तो आपको पता चल गया कि मान लीजिए मार्कर बनाने थे तो 60 मार्कर बनाने थे, तो 60 मार्कर बनाने में इसको सीधा बात है कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लग रहे हैं, तो कितनी एफिशिएंसी होगी, हर दिन कितने बना रहे होंगे मार्कर, 6 मार्कर, ये कितने कर रहे होंगे 4 और ये कितना कर रहा होगा 3। आपको पता चल गई इन लोगों की अलग अलग एफिशिएंसी कितनी है, मतलब वो भी ग्रुप में ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 6 मिनट काम करते होंगे, बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में 4 मिनट करते होंगे, सी प्लस ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते होंगे, टोटल वर्क करना है हमें 60 मिनट, तो वो दिन कितने लग रहे हैं ये पूछा है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहां से अगर तीनों सम इक्वेशंस को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको पता है सब दो दो बार है, तो ए भी दो बार आ गया, बी भी दो बार और सी भी दो बार, तो 2a + b + c आ गया आपके पास, और इसका क्या आएगी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, यहां आप ऐड कर लीजिए 4 और 6 = 10 = 13, 13 यूनिट पर डे काम करते हैं ये 6 के, मतलब 13 यूनिट, ठीक है। लेकिन ये किसकी आई, जब ए भी दो बार काम करेगा, बी भी दो बार और सी भी, तो एक एक बार अगर काम करेंगे तो 2 का उधर डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 13/2 यूनिट पर डे, ठीक है। ये आगे बात, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हमें ए प्लस बी प्लस सी का नहीं पूछा है, हमें पूछा है सी का, ओनली सी का, ओनली सी का पूछा है, इसका मतलब हमें ये हटाना है, ये हटाना है, तो ये कहां है, ये रहा। अब ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस ए प्लस बी, ये अगर माइनस कर दूं मैं तो आपके पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी बराबर ये आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से अगर ये घटा दूं तो क्या आएगा आपके पास, सी। तो सी निकालने के लिए यहां इसकी वैल्यू क्या है, 13/2, इसकी वैल्यू 13/2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 13/2 - 6 क्या होगा, आप एलसीएम लीजिए, आपके पास क्या आएगा, 12 - 13 - 1 = 1/2, 1/2 क्या आई आपके पास, सी की एफिशिएंसी आई है। हमें क्या निकालना है, सी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पूछा है तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क सी टाइम टेकन बाई सी लिखिए, टाइम टेकन बाई सी, सी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, टोटल वर्क मतलब 60/1/2, अब ये 1/2 है, ऊपर 2 जाएगा तो 120 आ जाएगा, 120 डेज लगेंगे अगर सी अकेला काम करेगा तो। तो ये आपका, आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन, मैंने आपको पहले बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और उनको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इजी से सवाल होते हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लो तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं।
और फास्ट तो आपकी कैलकुलेशन बेटर। ट्रिक पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में स्पेशली, आप ट्रिक पे जाना है आप ट्रिक पे जाइए उनमें जिनमें आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भले ही आप ट्रिक से कीजिए लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो सकता है ट्रिक तो हर किसी की अलग बन जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट और वैरायटीज को क्या करिए, मैक्सिमम वैरायटीज कीजिए, मैथ्स में यही है ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर लेता है, बी उस बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 3 घंटे में कर लेते हैं, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर लेते हैं, क्या क्या दे दिया? अकेले किसका दिया है, ए का, फिर ए प्लस सी का, बी प्लस सी का और फिर ए प्लस सी का, तीनों का दिया है और बी का पूछा है। देखो मैं लिखता हूं ऊपर क्या है, ए काम को कर लेता है कितने दिन में, कितने हावर्स में दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 4 hours, 4 hours ठीक है। बी प्लस सी और सी प्लस ए इन तीनों का दे रखा है अलग अलग, ये 3 hour में कर लेता है और लास्ट वाला जो सी प्लस ए है वो कितने टाइम में कर लेता है, वो कर लेता है 2 घंटे में। देखिए तीन चीजें आ गई आपके पास कि ए अगर किसी काम को अकेला करता तो 4 घंटे में पूरा कर सकता था, बी और सी अगर करते दोनों मिलके तो 3 घंटे में कर सकते थे, और सी और ए अगर साथ में काम करते तो वो 2 ही घंटे में कर सकते थे ठीक है। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ रही होगी कि सी की एफिशिएंसी बी से तो ज्यादा है तभी तो ये काम फास्ट हो रहा है, तो वो कितनी ज्यादा है क्या है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। जब टोटल वर्क आप निकालोगे तो आपको पता चलेगी कि एफिशिएंसी क्या है। 3, 4 और 2 इन तीनों की आप निकालोगे एलसीएम तो क्या आएगा आपके पास 12। 12 है, 12 यूनिट आपको काम करना था, 12 यूनिट काम करने के लिए इनकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, देखिए एफिशिएंसी 12/4 करेंगे 3, 12/3 करेंगे 4 और 12/2 करेंगे यहां पे 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर सवाल में ये तो चीज हम कॉमन कर ही रहे हैं, कोई इसमें यहां पे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, एलसीएम निकाला है फिर से हमने एफिशिएंसी निकाली। अब पूछा किसका है, पूछा है इन्होंने बी का, बी को लगा टाइम, मैं लिख देता हूं बी को लगा समय, ये पूछा है। बी अगर अकेला काम करेगा तो कहां से निकालेंगे, देखिए यहां पे ए प्लस सी की दे रखी है, ए प्लस सी बराबर दे रखा है आपको 6 और ए की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है 3, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक चीज आ गई आपके पास, ये सी की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, ये बी प्लस सी की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है यहां पे 4 और सी की वैल्यू यहां आ गई 3, तो बी की वैल्यू क्या देगी आपके पास 1। एक यूनिट पर डे काम करता होगा, ए की बी की ये एफिशिएंसी आई है, दिमाग ध्यान रखिएगा कि ये दिन नहीं आए हैं, ये क्या आई है एफिशिएंसी, निकालना क्या था नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, तो डे टाइम क्या लगेगा टोटल वर्क अपॉन टोटल, ये होगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो आपके पास एक आ गई, दिन टाइम काम करना था 12 यूनिट तो कितना टाइम लगेगा 12, यहां हावर्स में दे रखा है तो 12 हावर्स ये आपको लगेंगे, ये बी जब अकेला काम करेगा तो इसको कितना समय लगेगा 12 घंटे लगेगा ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अभी तक आपको करना था जो चीजें मैंने बताई कि आपको उससे चलना है, समय से चलना है, फिर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क से आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो तीनों चीजें जब आपके पास निकल गई उसके बाद ये चाहे साथ में पूछे इनका चाहे इंडिविजुअल किसी का पूछे आप उसका आराम से इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं ठीक है। जितनी जरूरत होगी उतनी इक्वेशन पक्का देगा, इन क्वेश्चंस में कम डिटेल कभी नहीं देता है, अगर आपको लगे कि कम डिटेल है इसका मतलब आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं ठीक है। चलिए ये था 2001 का सवाल, एसएससी 2002 का था सॉरी। अगला क्वेश्चन है ए का, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, नहीं ये बोल दिया सॉरी हाँ 12 घंटे वाला आगे, फिर है ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी इस काम को अकेला कितने में करेगा। देखो ये पहले आप कीजिए, मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों दे रखे हैं आपको, तीनों की आपको क्या दे रखा है समय दे रखा है, कितना कितना लगा है 12, फिर लगा है
आठ और छह, 12, 8 और 6, ये डेज में लगा रहते हैं। तो पूछा किसका है, बी का, बी का टाइम पूछा है कि बी अकेला करेगा, बी को लगा समय। पहले खुद कीजिए क्योंकि इजी सा सवाल है, आप खुद करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गड़बड़ काम पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार वीडियो पॉज करके देख लिया है तो अब इसका सॉल्यूशन भी देखिए कि सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 12, 8 और 6 का हमें एलसीएम लेना है तो कितना आएगा, 24, 24। तो हमारे पास टोटल वर्क क्या आ गया, टोटल वर्क आएगा 24 यूनिट, ठीक है, 24 यूनिट आ गया है। अब हमें क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई, देखिए क्या है, ए प्लस बी की क्या आएगी, 24/2 मतलब 12, 2 आ गई। 24 में 8 का डिवाइड करेंगे 3 और 6 का डिवाइड करेंगे 4, आपके पास आ गई तीनों की ग्रुप की जो एफिशिएंसी थी वो आ गई। अब देखिए यहां से हमें निकालना है सिर्फ बी का, यहां से हम निकाल किसका सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का, ये तो हमने निकाला ही था। ये कितना होता है, ये जो एफिशिएंसी टोटल होगी 3, 2, 5 और 4, 9, 9/2। कैसे होगी, पहले मैंने आपको करा दिया कि ये सब दो दो बार है, 2a + b + c बराबर 9 होगा, तो इसकी बराबर क्या हो जाएगा, 9/2। अब निकालिए हमें b की, सिर्फ b को रखना है, इन दोनों को यहां से हटाना है, इसका मतलब क्या होगा कि a + b + c में से आपको क्या निकालना है, -a + c। ये अगर हम निकाल दें तो क्या आएगी, b की एफिशिएंसी, b की एफिशिएंसी कैसे आएगी, 9/2 माइनस a + c की क्या है, 4 आ गई। तो वापिस आपके पास क्या आ गई, 1/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। जब 1/2 एफिशिएंसी है और टोटल वर्क आपको दे रखा है तो नंबर ऑफ डेज निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे आएंगे, नंबर ऑफ डेज क्या आएगी, टोटल वर्क मतलब टोटल TW अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, 1/2, मतलब ये कितनी होगी, 24/1/2, तो आएगा आंसर कितना, 48 डेज लगेंगे अकेला भी अगर इस काम को करेगा तो, ठीक है। इसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपके और भी क्वेश्चन हो SSC के अलावा, जैसे कि बैंक के हो, RRB के हो, किसी के भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको एज सून एज पॉसिबल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है, किस रिलेटेड पूछा है, किस तरह से क्या घुमाया है आपकी बार SSC ने, वो देखते हैं। डायमंड वर्क के इजी क्वेश्चन ही आए हैं अभी तक, तो हमारे पास लेवल 1 चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है b + c। मतलब अगर ए किसी काम को 4 दिन में करता है तो b + c भी 4 ही दिन में करेंगे। मतलब ये काम में वीक है, ये स्लो करते हैं काम और ए फास्ट करता है, अकेले की एफिशिएंसी इन दोनों के बराबर है। पहली इक्वेशन दे दी हमें, ठीक है मान लिया। फिर इसने क्या दिया, फिर इसने दिया कि यदि ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिन में कर देते हैं, यहां लिखू मैं a + b 10 दिन में कर देते हैं, और फिर क्या करता है, अगर सी अकेला उस दिन को 50 दिन में कर लेता है, सी अकेला इसको 50 दिन में कर लेता है, तो पूछा है बी अकेला कितने टाइम में करेगा, बी की पूछा है। चलिए देखते हैं, ये सिचुएशन ये दे रखी है तो ये फालतू तो दे नहीं रखी, हमें इसका यूज करना है, कैसे करना है वो देखिए। पहले तो इनकी आप निकालेंगे एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क क्या आएगा, 50, क्योंकि इनका एलसीएम 50 होगा, 10 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 50। आगे बात समझ में, 50 आने के बाद आप निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 50/10 मतलब आ गया 5 और 50/50 मतलब 1। मतलब ये हुआ कि a + b की जो एफिशिएंसी है दोनों मिलके पर डे 5 यूनिट काम करते हैं, सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तभी तो वो 50 दिन में 50 यूनिट काम करेगा, सीधी बात है। अब हमें निकालना है बी, बी निकालना है तो आप इन चीजों से देखिए कि बी कैसे आएगा। पहले आप निकालिए a + b + c, ये आ गया आपके पास, तो इनमें से आपको निकालना क्या पड़ेगा, a + c। तो यहां से तो हम वैसे भी a + b + c ही निकाल सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो a + b + c तीनों ही एक बार है, और
और इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6, 6 यूनिट होगी पर डे। ये तीनों लोग मिलके 6 यूनिट काम करते हैं। तो बताइए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसा आ जाए। मान लीजिए यहाँ मैं ए की जगह बी प्लस सी रख सकता हूँ, इस ए की जगह, तो बी प्लस सी यहाँ भी आ गया, यहाँ क्या आएगा बी प्लस सी है ही पहले से, दो बार बी प्लस सी आ गया, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 2 बी प्लस सी, पर इसकी वैल्यू आपके पास पहले से 6 दे रखी है, तो बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी, 6 / 2 बराबर 3 यूनिट, मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी आपके पास आ गई है। यहाँ ए प्लस बी की थी, यहाँ पे बी प्लस सी की दे रखी है, अब अकेले सी की तो यहाँ पहले से दे रखी है आपके पास 1, तो जब बी की निकालनी है बी प्लस 1 बराबर कितना दे रखी, तो बी की एफिशिएंसी कितना देगी 2 यूनिट। यहाँ सवाल पूरा नहीं, लास्ट 90% कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से आपके पास अगर एफिशिएंसी आ गई और टोटल वर्क है, तो आपको क्या करना है, टाइम क्या लगेगा, टाइम आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईएफ लिख देता हूं, तो टोटल वर्क तो आपके पास है 50 और ये एफिशिएंसी है 2, तो कितना टाइम लगेगा 25 डेज। ठीक है 25 डेज, बात पहले वाले सवालों से अच्छा सवाल था, एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए क्या दे रखा था। ए प्लस बी, ए उतने ही समय में काम करता है जितना बी प्लस सी करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर होगी, मतलब ए की एफिशिएंसी इतनी होगी जितनी बी प्लस सी की होगी। फिर क्या दे रखा था, ए प्लस बी का वर्क दे रखा था 10 दिन में करता है, सी करता है 50 दिन में, उससे हमने टोटल वर्क निकाला, उनकी एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने देखा कि ये ए यहां से हम हटा दें तो यहाँ क्या आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ गई और सी की हमारे पास पहले से थी, तो बी की आप निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकल गई तो टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है तो ये था, अच्छा कब पूछा गया है ये सवाल, पूछा गया है 2003 में सेकंड शिफ्ट, उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर हुआ करता था आपको पता है, तो दो शिफ्ट में पेपर होता था, पहले एक ही दिन में हुआ करता था, तब का है ये 2003 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलिए अगला सवाल है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उस काम को 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर लेते हैं, तो सभी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। बहुत इजी सवाल है, पहले आ चुका है लेकिन ये 2005 का सवाल है, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में, इनका एलसीएम क्या आएगा आपको पता है 60, काम कितना लगेगा करने में ये आएगा, इनकी क्या है आपके पास टोटल वर्क भी आ गया है, आपकी इनकी टोटल एफिशिएंसी भी आ गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। अब पूछा है टोटल ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, आपको पता है इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी आएगा बराबर कितनी यूनिट है 13 यूनिट, आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे एफिशिएंसी, तो 13/2 आ जाएगी, 13/2 आपके पास क्या आई है एफिशिएंसी, जब एफिशिएंसी आ गई तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क 60 है अपॉन करेंगे 13, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 120/13, ठीक है 120/13 जब आप इसका निकालेंगे आंसर कितनी बार जाएगा, ये 13 × 117 सही 3/13 इतने दिन लगेंगे इसको काम करने में तीनों को। ठीक है तो इजी सा सवाल था लेकिन आया हुआ है, मैंने एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता दिया, आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा सवाल मैंने पहले ही करा दिया। ठीक है लेवल 1 क्वेश्चन है, हम जो जो आगे चलते जाएंगे जिनको इजी लग रहे हो, जिन्होंने एसएससी वगैरह की तैयारी पहले से कर रखी है उनको इजी लगेंगे, लेकिन फिर भी हम शुरू से लेके चलेंगे चैप्टर को तो धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है जो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं, फिर कहा है ए और बी मिलकर उसी काम को 50 मिनट में पूरा कर लेते हैं, तो सी उसको कितने समय में पूरा करेगा। देखिए ये सवाल दो बार आया, एक बार तो दे दिया कि हाँ, एक बार किया कि आधे घंटे में काम करते हैं, घंटे में दे दिया तो थोड़ा सा आपको एलसीएम निकालने की प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर में करते हैं 30 मिनट्स में करते हैं, हाफ आवर होता तो भी आप मिनट्स में चेंज कर सकते थे। इसके बाद दे रखा है किसका दे रखा है कि ए और बी मिलकर काम कितने देर में करते हैं
ए प्लस बी करते हैं किस किस काम को कितने देर में करते हैं? 50 मिनट में। ठीक है, आ गए आपके पास टाइम। ठीक है, पाइपर सिस्टम वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी टाइम एंड वर्क से निकला है, वो हम भी पाइपर सिस्टम का लास्ट पार्ट में उसको करेंगे, एक लेक्चर में वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ए प्लस बी प्लस सी और इनके एलसीएम क्या आएगा, मैं इसको हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है मिनट्स की। तो ये आएगा आपको पता है 150 में इन दोनों का डिवाइड जाता है, ये कितनी बार? 5 बार, और ये जाता है 3 बार। तो ये तो आ गया आपका, ये क्या आ गया? टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई। पूछा किसका था कि अकेला कौन, सी अकेला कितनी देर में काम करेगा? देखिए बहुत इजी सी बात है, यहां ए प्लस बी दे रखा है, यहां ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला कम कर दूं तो क्या आएगा आपके पास? सी की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3। कितनी यूनिट आ गई आपके पास? 2 यूनिट पर डे काम करेगा, पर मिनट, यहां मिनट दे रखा है तो पर मिनट काम करेगा सी। ये इसकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का मतलब ही आपको पता है, पर टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में किया गया काम ही क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। तो यूनिट टाइम में इतनी यूनिट काम करेगा, यूनिट पर, यहां मिनट दे रखा है तो पर मिनट, तो पर मिनट 2 यूनिट काम करेगा। 150 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 150/2 यानी कि 75 मिनट। ठीक है, टाइम टेकन बाई सी। ठीक है, तो सी कितनी देर में काम करता है? 75 मिनट में। अब इसको ऐसे भी दिया था एक बार कि हाफ आवर दे दिया था इसको, और इसको दे दिया था 5/6 आवर्स। तो चाहे तो आप आवर पे काम कीजिए, चाहे इसको आप मिनट में चेंज करेंगे तो वही हाफ आवर मतलब 30 मिनट और 5/6 मतलब 50 मिनट। इसको 60 से मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये 10 50, तो 50 मिनट आएंगे। तो उस तरह से आपका इसको भी हावर में बदलना हो तो आपको पता है 60/75 अगर 75 करोगे तो क्या आ जाएगा? हावर हो जाएगा। 75/60 कितना हो जाएगा? 1 घंटा और 15 मिनट, इतना समय लगेगा इस सी को ये काम पूरा करने में। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस हिसाब से पूछा है, यूनिट क्या पूछी है टाइम की। आगे 75 मिनट नहीं दे रखा, हावर में दे रखा है तो आप 75 मिनट को हावर में भी चेंज कर सकते हैं। और पहले भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने एचसीएल एलसीएम का बताया था आपको कि फ्रैक्शन है, मान लीजिए 2/5 और 7/10 मान लीजिए, इनका में आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे मतलब 2 और 7 का 1 आएगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे 1/5 आएगा। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था किस तरह से निकालते हैं। जो चीज निकालनी है, मान लीजिए एलसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएफ, मान लीजिए एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएल। ठीक है, निकालना क्या है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर अन्नू एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार करती है। अन्नू है एक लड़की, ये क्या करती है? बुक की प्रिंट्स निकालती है, कॉपी बनाती है इसकी। ठीक है, लिख के या फिर जैसे भी, तो कितनी देर काम करती है पर डे? डेज जो करती है, कितने दिन लगते हैं इसको? डेज इसको लगे हैं 18 और हर दिन कितना काम किया है इसने? आवर्स लगे इसको 6। हर दिन 6 घंटे काम करती है तो 18 दिन में इसने बुक छापती। तो इसको पूछा है कि इन केस अगर इसको 12 दिन में पूरा करना था काम, 12 दिन करने थे तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये पूछा। 3 चीजें दे रखी है, चौथी पूछिए। हर दिन 18 दिन काम कर रही थी 6 घंटे, 12 दिन में कंप्लीट करना है, जिसका मतलब कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब अगर हर दिन कोई भी काम करता है, काम क्या होता है, मान लीजिए मैन है या वुमेन है या फिर डेज आ गए, तीनों चीजें आ गई या आगे हाउस आ गए, ये सब 1 1 1 और एफिशिएंसी। ये मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, m2 w2 h2 d2 upon e2। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना दिन काम करते हैं, जितने हाउस करते हैं, उसका आप देखिए यहां 12 था, हर दिन 18 यूनिट काम करती थी, हर घंटे इतनी यूनिट काम कर पाएगी,
18 दिन 6 और काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 18 गुणा 6 मतलब 18 छिके 108 यूनिट काम करेगी। यहां कितना करेगी, यहां मान लीजिए एक्स आवर थे तो 12x काम करेगी। काम तो सेम ही करना था ना, किताब तो एक ही लिखनी थी, किताब एक लिखनी थी तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 108, 12x बराबर 108 तो 12x की वैल्यू क्या जाएगी 108 बटे 12, तो ये कितने देगी 9 आवर्स। 9 घंटे लगाने पड़ेंगे उसको, हर दिन काम करेंगे तब जाके क्या होगा ये काम उसका कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन इस तरह से ना करके मैं आपको और इजीली बता दूं, इस तरह से दे रखा होगा, ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया, आपको दे रखा हूं ट्री और मान लीजिए काम दे रखा है नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स बराबर इधर वाले नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, ये करके देखिए यहां क्या दे रखा है 18 6, यहां पूछा है डी टू, यहां डी टू दे रखा है 12 और एच टू पूछा है, तो यहां एच टू आप निकालोगे क्या आएगा 18 गुणा 6 बटे 12, ये आ जाएगा आपका 9 आवर्स। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहे फॉर्मूले का यूज कीजिए या फिर टोटल वर्क निकालिए, दोनों में से कोई सा भी एक मेथड आपको फॉलो करना है आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है, किसी भी जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसमें टोटल वर्क हमेशा कॉन्सेप्ट वो रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरी चीज, वर्क जो टाइम है वो एफिशिएंसी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस दो ही इसमें कॉन्सेप्ट है, इन दो कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कोई भी सवाल इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे सवाल क्वेश्चन जो भी थे हमारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के अभी तक देखा इजी है, आप ये मत समझिए एसएससी में हार्ड सवाल आते हैं, इजी ही आते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे हम लेवल 4 तक जाएंगे तो आपको बाकी सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।